सब्सक्राइब कीजिए एक्यूटेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास जो है ये एरर आ रहा है, अगर आप जो है स्टीम ऐप ओपन करने के बाद आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये एरर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना, आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज करता हूँ, तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुकीज एंड अदर साइट डाटा, तो आप जो है इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज सेलेक्ट है तो आप जो है यहाँ पर इसको अलाउ ऑल कुकीज सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फिर एक बार से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपको जो है ये ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देना है। तो आपको जो है यहाँ पर कुकीज एंड अदर साइट डाटा, कैचे इमेज एंड फाइल्स, यहाँ पर ये सारे सेलेक्ट कर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। गूगल क्रोम के सारे कैचे इमेजेस और जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद आपके पास ये एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली ये एरर रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।